Good morning, students. Students, as we already started our new chapter, that is Roman numbers. In this chapter, we learnt rules for formation of Roman numbers. Children, I already told you that there is total four rules. Out of these, we already learnt rule number 1 and 2. So let us revise once again. In rule number 1, rule of repetition. In this, we learned that Roman symbol I, X, C can be repeated up to 3 times. Means, ये जो Roman symbol है I means 1, X means 10, C means 100. ये कितने time repeat हो सकते हैं? Only 3 times. उसके बाद ये 4 time repeat नहीं होंगे. Understand? Now come to the rule number 2. Rule of addition. In this, when Roman symbol of lower value is written to the right or after the symbol of a higher value, the value of the symbols are added. Means, jo Roman symbol jiski value choti hai, wo agar kisi bhi Roman symbol jiski value badi hai, uske left इसके राइट में लिखा है या उसके आफ्टर उसके बाद लिखा है तो हमें उन दोनों सिंबल्स उन दोनों वैल्यूज उन दोनों नंबर्स को आपस में क्या करना है ऐड करना है प्लस करना है. सपोज एक सिंबल है V और उसके जस्ट राइट में लिखा हुआ है I. V की वैल्यू कितनी होती है 5 और I की वैल्यू कितनी होती है 1. तो 5 + 1 = 6 ऐसे होगा ये. नाउ In today's class, we will learn our further rules. Those are left. So let's start. Come to the rule number 3. When the symbol of lower value is written to the left or before the symbol of higher value, then the value of lower digit is subtracted from the value of higher digit. बच्चों आपको ये देखने में पता चल रहा होगा कि ये exactly किसके opposite है? Rule number 2 के. रूल नंबर 2 में जो भी चीज थी एग्जैक्टली उसकी ये ऑपोजिट है. वो रूल ऑफ एडिशन था तो ये रूल ऑफ सब्ट्रैक्शन है. इसमें क्या है कि सिंबल ऑफ लोअर वैल्यू इज रिटन टू द लेफ्ट और बिफोर द सिंबल ऑफ हायर वैल्यू. मींस कोई हायर वैल्यू अगर है उसके जस्ट लेफ्ट में या उसके जस्ट पहले कोई छोटी वैल्यू लिखी हुई है तो उन दोनों वैल्यूज को आपस में हमें क्या करना होगा माइनस करना होगा सब्ट्रैक्ट करना होगा. इसमें बिफोर कमिंग टू द एग्जांपल्स लेट अस लर्न फ्यू टॉपिक्स अ फ्यू पॉइंट्स एंड दीज आर एज फॉलोज. फर्स्ट वन आई कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम वी एंड एक्स ओनली. आई मींस 1 कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम वी एंड एक्स ओनली मींस 5 एंड 10 ओनली. मतलब 1 केवल किससे और किससे सब्ट्रैक्ट होगा 5 और 10 से. अंडरस्टैंड. सेकेंड एक्स कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम सी एंड एल ओनली. एक्स मीन्स 10. 10 किससे किससे सब्ट्रैक्ट होगा एल. एल मीन्स 50 और सी मीन्स 100. मीन्स 10 केवल 50 और 100 से ही सब्ट्रैक्ट होगा और किसी नंबर से सब्ट्रैक्ट नहीं होगा. वैसे ही 1 केवल 5 और 10 से ही सब्ट्रैक्ट होगा और किसी से सब्ट्रैक्ट नहीं होगा. थर्ड वन सी कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम डी एंड एम ओनली. C means 100 and D means 500 and M means 1000. That means 100 केवल 500 या 1000 से ही subtract होगा और किसी से नहीं होगा. And one more, symbol V is never subtracted. Means symbol V means 5 जो है वो कभी subtract नहीं होगा. And similarly, L and D are never written to the left of any other symbol. Means L and D. L means 50 and D means 500. ये दोनों 50 और 500 कभी भी किसी भी सिंबल के रोमन सिंबल के लेफ्ट में नहीं लिखा जाएगा. ठीक ये कुछ पॉइंट्स है मस्ट रिमेंबर. नाउ कम टू द एग्जाम्पल्स. फर्स्ट वन I एंड V. एज यू ऑलरेडी सीन प्रॉपरली V इज ग्रेटर देन I. द वैल्यू ऑफ I स्टैंड फॉर 1 and the value of V stand for 5.
देन व्हाट वी आर डूइंग, वी सब्ट्रैक्ट बोथ दी वैल्यूज. सो 5 माइनस 1 दैट इज 4. वन मोर, आई एंड एक्स. चिल्ड्रन आपको ये देख के पता चल रहा होगा कि इसमें क्या बोला गया था, कि जो बड़ी वैल्यू की अगर लेफ्ट में कोई भी छोटी वैल्यू है तो उसे आपस में माइनस करना है. तो आई एक्स के लेफ्ट में है, दैट्स वाई 10 माइनस 1 इक्वल्स टू 9. सेकेंड एग्जाम्पल, एक्स एंड एल. द वैल्यू ऑफ एक्स इज 10 एंड द वैल्यू ऑफ एल इज 50. सो 50 माइनस 10 इक्वल्स टू 40. एक्स एल वी. एक्स एल वी ऑलरेडी लर्न, 50 माइनस 10 दैट इज 40 एंड वैल्यू ऑफ वी इज प्लस 5. वाई वी आर एडिंग दिस 5? यूज योर माइंड, यूज योर ब्रेन. हमने जैसे लास्ट रूल में पढ़ा था कि अगर कोई वैल्यू लेफ्ट साइड में लिखी है तो वो माइनस होगी और अगर राइट साइड में लिखी है तो वो ऐड होगी. एल की वैल्यू है 50, एल तो सबसे बड़ा हो गया. उसके राइट साइड में जो वैल्यू है 5 तो वो तो ऐड होगा और जो लेफ्ट साइड में है एक्स वो माइनस होगा. तो 50 से 10 को हमने माइनस कर दिया और वी 5 को ऐड कर दिया. सो व्हाट इट कम्स, 45. हियर एक्स एंड सी. एक्स वैल्यू इज 10, सी वैल्यू इज 100. सो व्हाट वी गेट, 90. सी एंड डी. सी वैल्यू इज 100 एंड डी स्टैंड्स फॉर 500. सो व्हाट वी गेट, 400. C and M. C 100 and M 1000. So subtract both the symbols. Then what we get? 900. Now come to the rule number 4, and this is your last rule also. Here, when a Roman number of a smaller value is put in between two numbers of great value, it is subtracted from the number on its right. Okay. In this rule, अगर कोई रोमन नंबर जिसकी वैल्यू छोटी है और वो कहां पे लिखा है, दो बड़े वैल्यू के बीच में लिखा है, मीन्स दो अगल बगल, मतलब राइट में और लेफ्ट में दो बड़े वैल्यू हैं और उन दोनों के बीच में कोई छोटी वैल्यू का रोमन सिंबल है, तो हमें क्या करना होगा, इट इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दी नंबर ऑन इट्स राइट. मीन्स उसके राइट में जो नंबर है उससे हमें उसे क्या करना होगा, सब्ट्रैक्ट करना होगा, मीन्स माइनस करना होगा. मीन्स लेफ्ट वाले से हमें कोई काम नहीं है, हमें सिर्फ उसके राइट वाले वैल्यू से उसे आपस में सब्ट्रैक्ट कर देना होगा. हियर वन एग्जाम्पल, एक्स आई वी. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, 10, आई 1 एंड वी 5. एज यू कैन सी क्लियरली, एक्स वैल्यू इज 10 देन प्लस, देन हमें क्या करना है कि उस छोटी वाली वैल्यू को उसके राइट वाले वैल्यू से माइनस करना है. तो उसके राइट में 5 है, देन 5 माइनस 1 व्हाट वी गेट, 10 एंड प्लस 4 40. वन मोर, एक्स एक्स आई एक्स. एक्स स्टैंड फॉर 10, अगेन एक्स स्टैंड फॉर 10, देन आई 1 एंड देन अगेन एक्स फॉर 10. तो हमें क्या करना है कि उस आई के राइट साइड में जो वैल्यू है 10 है उसे माइनस करना है, तो वो 9 हो जाएगा. देन 20 प्लस 9 इक्वल्स टू 20.